पागल पागल है थोड़े बादल तुमसे मिली हूँ पहली दफा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 1 दिसंबर 2023 को रिलीज 880 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली मूवी एनिमल में रणबीर कपूर के साथ एक्सटेंडेड कैमियो करने वाली तृप्ति डिमरी और नाइट सुर्खियों में आ गई। एक तरह से नेशनल क्रश बन गई तृप्ति डिमरी। एनिमल से सुर्खियों में आने के बाद हर सिनेमा प्रेमी तृप्ति के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है। मीडिया की लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से कार्तिक आर्यन अभिनीत आशिकी 3 में तृप्ति को साइन किया गया है। वैसे मेकर्स ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। अब तेरे बिन जी लेंगे हम जहर जिंदगी। तृप्ति ने अपना फिल्मी कैरियर 2017 में फिल्म मोम से शुरू किया था। 2020 में आई फिल्म बुलबुल के लिए तृप्ति को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल चुका है। एनिमल के बाद तृप्ति विकी कौशल के साथ मेरे महबूब मेरे सनम और राजकुमार राव के साथ विकी और विद्या वाला वो वाला वीडियो फिल्मों में दिखाई देगी। आशिकी 3 2024 में फ्लोर पर जा सकती है। आशिकी फ्रेंचाइज अपने पॉपुलर म्यूजिक की वजह से भी जानी जाती है। विशेष फिल्म द्वारा प्रोड्यूस और अनुराग बसु द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली फिल्म आशिकी 3 2025 में रिलीज होने की उम्मीद है। फिल्म एनिमल में तृप्ति द्वारा निभाया गया जोया का किरदार आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने फेवरेट स्टार की मूवी रिव्यूज देखने के लिए स्टार्स ऑन स्क्रीन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।